पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वार्ड 21 क्षेत्र की महिलाओं ने जल भराव और नाले की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद एक ज्ञापन नगर आयुक्त कार्यालय पर सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से नगर आयुक्त को अवगत कराया गया कि वार्ड 21 के कमला नगर क्षेत्र पिछले 3 महीनों से बिना बरसात के ही जल भराव हो रहा है, जिसका मुख्य कारण हाईवे का मुख्य नाला बंद होना है। जिस नाले में कमला नगर का पानी पास होता है, वो नाला स्टेट हाईवे के मुख्य नाले से जुड़ा है और यही हाईवे का नाला कई जगह से चौक है, जिसकी सूचना पार्षद विवेक शर्मा ने भी कई बार नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को दी, लेकिन जल भराव की समस्या का कोई भी स्थानीय समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। नगर निगम के द्वारा नाले पर इंजन से भरा पानी खिंचवाया जाता है, फिर एक दो दिन बाद वही स्थिति हो जाती है, जिससे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर जाने में और स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा है कि उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना बंद करें और बरसात के दिनों में समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। समस्या ये है कि 3 महीने से नाले का गंदा नाले का पानी पूरा गली में आ गया है और घर घर में घुस रहा है और सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमने साथ हम लोग भी बीमार हो रहे हैं। हमने बहुत सारे स्कूल जा रहे हैं और इस समय पेपर चल रहे हैं और हमने विनोद अग्रवाल जी हमें बोला है कि आप बता नहीं सकते, मैं डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो बीमारी क्या है, क्या बीमारी है। आप बताइए डॉक्टरों को अब तक हम लोग खर्चे पता 72 घंटे हम लोगों के घर के बाहर पानी भरा हुआ है उस नाले में पर उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। विवेक पार्षद जो है उनको भी बोला था, सब फॉर्म भी देखो ऐसे लेके आए हैं हम लोग और पहले भी दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। 3 महीने से कोई सुनवाई नहीं है, ये ले लगा लीजिएगा। सारा काम छोड़ के हम लोग इतने आए हैं, मतलब अपना घर का काम छोड़ के बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आए। अभी आप किससे मिलना चाहते हैं, क्या किससे? अगर आईजी से मिलना चाहते हैं और उनसे अपनी समस्या का हल मांगना चाहते हैं कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा यही बोलते हैं कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, हमारी अति से ज्यादा हो गई है और अगर ज्यादा होगा तो हम भी बच्चों को यहाँ खड़ा कर देंगे। नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि इसे सही तरीके से साफ सुथरा किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।